तो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पे आना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है और इस बैकग्राउंड को वीडियो को अकॉर्डिंग सेट आपको कर लेना है। तो मैं यहाँ पे 20 सेकेंड के आसपास रहने देता हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है, आपने जो वीडियो शूट कर रखे है उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने वीडियो कुछ इस तरह से शूट किया हूँ, तो आपको भी कुछ इस तरह से शूट कर लेना है। वीडियो शूट जब भी करेंगे तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, जिस कलर का आप शॉर्ट या टी शर्ट पहने हुए वही कलर आपको बैकग्राउंड में नहीं होना चाहिए। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो वीडियो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पे क्लिक करेंगे और ट्रिम टूल लेफ्ट कर देंगे। वीडियो पे क्लिक करेंगे, इसे आपको लास्ट तक लेकर आ जाना है। इसके बाद वीडियो पे क्लिक करेंगे, इस बॉक्स के लेयर पे क्लिक करेंगे और इस बॉक्स को सेलेक्ट कर देना है। वीडियो आपको फुल साइज में हो जाएंगे। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे रखे है, उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है आपको और आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है और सेंड टू बैक कर देना है। तो वीडियो आपको बैकग्राउंड में आ जाएंगे। इसके बाद लास्ट पॉइंट पे आना है और एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। इसके बाद बैकग्राउंड भी जो भी एक्स्ट्रा है उसे भी हम ट्रिम टू राइट कर देते हैं। इसके बाद जो आपके बाद ओरिजिनल वीडियो के लेयर पर क्लिक करने हैं और यहाँ पर आपको क्रोमा की पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको कलर की पे आना है और यहाँ पे रेड सेलेक्ट कर लेना है और आपको यहाँ पे सही से एडजस्ट आपको कर देना है। तो अब यहाँ पे जैसे हम शो मास्क पे क्लिक करते हैं तो ये जो है आपको बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए होता है और ये जो होता है आपको फेस को रिमूव करने के लिए होता है। सिंपल आपको करना क्या है, इसे आपको इस तरह से एडजस्ट करना है कि जो कि आपको दिख रहा है रेड कलर का जो शॉर्ट या टी शर्ट आपने पहने हैं तो आपको ब्लैक हो जाना चाहिए कुछ इस तरह से। इसके बाद इसे आपको सेट करना है, जैसे फेस हो गया तो आपको यहाँ पे बाकी का पार्ट जितने भी है आपको वाइट हो जाना चाहिए कुछ इस तरह से आपको सेट कर लेना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे ने जो शॉर्ट पहने हैं वो हमने जो यहाँ पे शॉर्ट पहने हैं वो आपको ब्लैक हो गया हुआ है और बाकी का जितने भी पार्ट है वाइट हो गया हुआ है। इसके बाद शो मास्क पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सही से एडजस्ट हो चुका है। इसे आप डन करते हैं। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, गर्ल वाले वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, इसे आपको जूम इन जूम आउट कर सही से एडजस्ट आपको कर देना है कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं वीडियो हमारा कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट का पार्ट कुछ अगर एक्स्ट्रा है तो आपको देख लेना है। तो हमारा वीडियो 14.5 पे ख़त्म हो रहा है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पे क्लिक करेंगे, ट्रिम टू राइट कर देंगे। इसके बाद जितने भी पार्ट एक्स्ट्रा है ट्रिम टू आपको राइट कर देना है। सेटिंग पे आना है, आइडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है, शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको साउंड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस वीडियो में ऑलरेडी साउंड ऐड है। शेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है।